ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गुजरात के द्वारका से आई हैं, जहां श्री कृष्ण की पूजा करते हुए 37,000 यादव समाज की महिलाओं ने अहिरानियों ने महारास रचाया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कृष्ण की मूर्ति के अगल बगल गोल घेरे में ये महिलाएं नाच रही हैं, रास रचा रही हैं। यादव समाज की महिलाएं हैं जिन्हें अहिरानी कहा जा रहा है और इनकी संख्या 37,000 है। 37,000 महिलाएं श्री कृष्ण की परिक्रमा करते हुए महारास करने के लिए एकत्रित हो गई, एकजुट हो गई, लेकिन जब संसद से महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया और उसमें ओबीसी समाज की महिलाओं को अलग से कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया गया तो 37 महिलाएं भी एकजुट ना हो सकी। यहाँ रास रचाने के लिए 37,000 महिलाएं हैं, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ियों के हक अधिकार के लिए 37 महिलाएं भी एकत्रित ना हो सकी और कोई विरोध प्रदर्शन ना हो सका। ये हकीकत है, ये बताने के लिए ये घटना इस बात का इशारा करती है कि कैसे हमारा जो समाज है, दलित बहुजन समाज, ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो धार्मिक पूजा पाठ में, कर्मकांड में तो लगे हुए हैं, लेकिन अपने हक अधिकारों के प्रति उनमें उस तरह की सोच नहीं है। ओबीसी समाज पर तो गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि धर्म कर्म के काम में घुसे हुए हैं, हिंदू बने हुए हैं, हिंदुत्व की पताका उठाए हुए हैं, उनका झंडा बुलंद किए रहते हैं, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तब वो लोग एकजुट नहीं हो पाते। ये द्वारका में जो कार्यक्रम हुआ ये अखिल भारतीय यादव महासभा और अहिरानी मंडल की तरफ से, महिला मंडल की तरफ से ये आयोजित किया गया था। 37,000 महिलाएं गुजरात के द्वारका धाम में पहुंची और इसमें जो कार्यक्रम में लोग शामिल हुए हैं, यादव समाज के लोग खासकर जो हुए हैं, वो बताया जा रहा है कि करीब 1,25,000 लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए और उन्होंने महारास के इस कहें कि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने 24 और 23 दिसंबर को ये महारास रचाया। तो धर्म कर्म से ही अगर भला हो जाता तो फिर हमारे जो लोग हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं, वो क्यों समझाते कि धर्म नहीं धंधा है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ओबीसी समाज से आते हैं, माली जाति में उन्होंने जन्म लिया और फिर उन्होंने इस देश में महिलाओं की मुक्ति के लिए, वंचित तबकों के लिए बहुत सारा काम किया। वो कहते हैं कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह से पूजा पाठ करना पुजारी का, ब्राह्मण का धर्म नहीं बल्कि धंधा है और उसमें पैसा है। वो लोगों को जागरूक होने की प्रेरणा देते थे, वो कहते थे कि जाग जाओ, इस प्रपंच में मत पड़ो, लेकिन हम अभी तक उनकी बात शायद नहीं समझ पाए हैं। पूजा पाठ आपका एक व्यक्तिगत अधिकार है, अगर आप किसी के प्रति आस्था रखते हैं तो ठीक है, आप पूजा पाठ करें, लेकिन साथ साथ क्या हमारा समाज इस अपने हक अधिकार के लिए भी बोल रहा है? ओबीसी समाज के लोग क्या अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं? कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। यादव समाज के लोग खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं कि हम गोपालक श्री कृष्ण के वंशज हैं और हम जो हैं कृष्ण वंशी हैं, अहीर अपने आप को बुलाते हैं, लेकिन उनके साथ जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो भारत की चतुर्वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, उन्होंने क्या किया? उनसे उनका अपना इष्ट देव ही छीन लिया। श्री कृष्ण के वंशज जो यादव समाज के लोग हैं वो कृष्ण के कितने मंदिरों के पुजारी हैं, कितने मंदिरों में वो पूजा पाठ जो है उसको नियंत्रित करते हैं, वो पुजारी हैं, उसकी तिजोरी को नियंत्रित करते हैं कि कितने लोगों को, चाहे वो मथुरा में आप देख लीजिए कृष्ण के कितने सारे मंदिर हैं, वृंदावन में आप देख लीजिए, पूरा का पूरा जो वृंदावन ब्रज भूमि है वहाँ के मंदिरों में आप देख लीजिए, द्वारकाधीश का मंदिर देख लीजिए, या जितने भी देश भर में श्री कृष्ण के मंदिर हैं उनमें कहीं आपको यादव पुजारी क्यों नहीं देखने को मिलता? तो यादव समाज के लोग जो इस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं, जो इस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं और कृष्ण को अपना पुरखा बताते हैं, पूर्वज बताते हैं, कम से कम बाकी जो देवी देवता हैं उनको तो कह दिया जाता है कि भाई वो जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, अछूत हैं, वो मंदिरों में दाखिल नहीं हो सकते, वो वहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण तो यादवों के अपने देवता हैं, उनके अपने इष्ट देवता हैं, वो अपने आप को उनका पूर्वज बताते हैं कि कृष्ण के ही हम वंशज हैं, गोपालक हैं, तो फिर वो अपने ही दादा परदादा पुरखे के घर में, मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बन सकते?
ये सवाल जो है क्या यादव महासभा बाकी लोग पूछ रहे हैं, यादव समाज के लोग पूछ रहे हैं अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए ब्राह्मणवाद पर उस पर हमले करते रहे हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, चाहे वो पेरियार ललई सिंह यादव हो या पेरियार अन्ना हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हो, सावित्री माए हो, तमाम लोगों ने बताया कि कैसे ब्राह्मणवाद हमारी मानसिक गुलामी का कारण है और हमें हक से संसाधनों से हमको ये लोग बेदखल किए हुए हैं, हमारी हकमारी हो रही है। लेकिन बात समझ में क्यों नहीं आ रही, क्यों ये नहीं पूछा जा रहा कि हम अगर कृष्ण के वंशज हैं तो हम क्यों नहीं पुजारी बन सकते, हमको दे दीजिए ये पुजारी बना, हमको दे दीजिए तिजोरी की चाबी, हम देखेंगे, हम पढ़ लेंगे गीता, हम वेद पढ़ लेंगे, हम सारी चीज़ें कर लेंगे। जन्म के आधार पर क्यों सिर्फ ब्राह्मणों को ही पुजारी बनाया जाता है? अब जो है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसके जो पुजारी हैं वो क्यों मोहित पांडे को नियुक्त किया गया, क्यों किसी ओबीसी को, यादव को, दलित को, आदिवासी को उसमें पुजारी नहीं बनाया गया? ये सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या हमारे जो लोग हैं वो इन बारे में सोच रहे हैं। कोटे के अंदर कोटा महिलाओं के लिए कितना बड़ा सवाल था, जिसमें ओबीसी समाज के ही, यादव समाज के ही शरद यादव जैसे लोग कोटे के अंदर कोटे की मांग करते रहे, संसद में उन्होंने वो बिल पास नहीं होने दिया कि ये अगर आप बिल पास करोगे तो सिर्फ सवर्ण महिलाएं जो राजनीति में पहले से जिनके पुरुष हैं वही अपनी बहू बेटियों को सांसद विधायक बना के भेज देंगे और हमारी महिलाएं जो हैं वैसे ही रह जाएंगी। क्यों कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया जाता? लालू प्रसाद यादव, यादव समाज के ही नेता, कहते रहे कि महिलाओं को कोटे के भीतर कोटा देना चाहिए। क्या आप अपने ही नेताओं की बात नहीं मानते? क्यों आपने ये मांग नहीं की? क्यों उसके लिए आंदोलन नहीं किया? क्यों ये महिलाएं जो आप वहाँ रास रचा रही हैं, वहाँ पे अपनी धार्मिक आस्था का जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं, अपने हक अधिकार के लिए क्यों एकजुट नहीं हो पाए? ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्या धर्म की चाशनी चटाकर हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को हैक कर लिया गया है और ये कह दिया गया कि यही आपके लिए अच्छा है? आस्था अपनी जगह है लेकिन हक अधिकार भी तो मांगेंगे। हमें सिर्फ मंदिर का घंटा नहीं बजाना है बल्कि अपने बच्चों को तालीम भी देनी है कि वो अच्छे वकील बन सके, वो नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने की कितनी लड़ाई लड़ी, अच्छे डॉक्टर बन सकें, अच्छे प्रोफेसर बन सके। क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो कि यादव समाज के ही हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया? क्यों? क्योंकि वो पुरखों की बात कर रहे थे, वो अपने लोगों की बात कर रहे थे, अपने इतिहास की बात कर रहे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उनके लिए ये महिलाएं क्यों नहीं इकट्ठी हुई? इनके जो पुरुष 1.25 लाख जो लोग यादव समाज के इकट्ठे हुए हैं, अखिल भारतीय यादव महासभा जैसे जो संगठन हैं, क्यों उन्होंने उनके लिए प्रदर्शन नहीं किया? तो धार्मिक कर्मकांड में ही लगे रहेंगे तो आपके हक अधिकार छीन लिए जाएंगे, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, उनके लिए कुछ बचेगा नहीं, इसलिए गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या सिर्फ धर्म से ही हमारा काम चल जाएगा या हमें संवैधानिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई में भी शामिल होना पड़ेगा? कमेंट करके बताएं, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग इससे जानकारी ले सकें, क्या क्यों उनके लिए ज़रूरी है वो उनको समझ आ सके। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। साथियों अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।